देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश सरकार ने आज अन्न महोत्सव मनाया। विक्रेताओं से संबद्ध कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रिंट किया हुआ बैग निःशुल्क 30,000 कार्ड धारकों को दिया गया। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कम से कम 100 लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए उचित दर की दुकानों पर टीवी लगाया गया। गरीबों को मुफ्त में अन्न वितरण की योजना के लिए जनपद आजमगढ़ में 2,171 उचित दर की दुकानें हैं, जिनमें से 2,067 ग्रामीण इलाके और 104 दुकानें शहर में हैं। कुल राशन कार्ड की संख्या 7,93,568 है। राशन कार्ड के आधार पर कुल यूनिट 35,11,774 है। इस योजना के अंतर्गत बैग का वितरण किया गया है। जिले के पलहनी ब्लॉक के उकरौरा गांव में राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री द्वारा अन्न महोत्सव कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट और निशुल्क खाद वितरण का आयोजन किया गया। सभी लोग को मिल जाएगा, सभी जब झोला मिल जाएगा उसको भी मिल जाएगा, झोला सभी कुछ मिलेगा, झोला किसी को वंचित नहीं करेगा, झोला सभी लोग को मिलेगा। ठीक सर, धन्यवाद सर। राशन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, क्या उद्देश्य इसका? देखिए, गरीब से गरीब लोगों को अभी उसका खाद्यान्न पहुंचाने का है, और जो ये कोविड के कारण कुछ लोग अपने आर्थिक स्थिति में सामान्य रूप में नहीं कमा पाए और उसका कोई घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, उसके लिए ही माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लेकर के यहाँ तक पहुँचा रहे, गरीब तक पहुँचा रहे। लगभग से कितना लोग सर मिले दिया गया सर राशि? आज 30,000 लोगों को हम आज दे रहे हैं। 30,000 शेष लोग को भी अभी मिल जा रहे, शेष लोग को भी हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका भी मिल जाएगा, शेष लोग को भी। ठीक सर, धन्यवाद।